अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा शाह। द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ रोमांटिसिज्म। पहले हम ये देखते हैं कि वर्ड रोमांटिसिज्म आया कहाँ से, या टर्म रोमांटिसिज्म आई कहाँ से। तो टर्म रोमांटिसिज्म है फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो एक जर्मन पोइट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक शिलेगर। वो क्या थे, लेट 18th सेंचुरी में उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इस टर्म को इंट्रोड्यूस जो करवाया था, किसने इंट्रोड्यूस, ताकि वो रोमांटिसिज्म को स्टार्ट कर सके। ठीक है, अब इसमें था रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल क्या होता है, किसी भी चीज़ में रिन्यूड इंटरेस्ट पैदा करना। अब ये था, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि पहले एरा था इनलाइटमेंट का, इनलाइटमेंट का एरा था, उसमें क्या था, लॉजिक रीज़न वगैरह पे क्या एम्फसाइज किया जाता था। लेकिन जब आई रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म में ये था कि रिन्यूड इंटरेस्ट किया गया रोमांटिसिज्म की तरफ, कि आप लोग आओ इंस्पिरेशन की तरफ, इमेजिनेशन की तरफ और ब्यूटी की तरफ। जी मैम, नेचर की तरफ। अच्छा, उसके बाद है केनर, हम देखते हैं कि रोमांटिक रिवाइवल यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ था। रोमांटिक रिवाइवल यूरोप में स्टार्ट हुआ था लेट 18th सेंचुरी में एंड द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अच्छा लेट 18th सेंचुरी में और अर्ली 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुई थी। रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी में, फिर उसके बाद इंग्लैंड में, और ऐसे ही ये क्या हुई थी, पूरे यूरोप में फैल गई थी। अब रोमांटिसिज्म क्या थी, रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट थी जो कि मर्ज हुई थी यूरोप में। अब ये क्या था, ये रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, इनलाइटमेंट के खिलाफ। ठीक है, अब इनलाइटमेंट क्या था, वही रीज़न लॉजिक वगैरह पे, और अभी ये क्या कह रहे थे, शिफ्ट हो जाना चाहिए किसके बाद, सब्जेक्टिव इमोशनल अप्रोच टू दी आर्ट। ठीक है, किसकी तरफ आना चाहिए, नेचर की तरफ, इमोशंस की तरफ आना चाहिए। इंसानी ज़ात की जो सिग्निफिकेंस है, जिसमें बड़ा सेटबैक लगा है साइंस की तरफ से, या डार्विनिज्म एक बड़ा फैक्टर था उसका, उसकी वजह से जो बड़ा दक्षा लगा उसको थोड़ा रिस्टोर करने की कोशिश। अब देखते हैं कि फादर कौन थे रोमांटिसिज्म के। रोमांटिसिज्म के अगर हम लोग इसके इरा की डेट देखें तो वो है 1798 to 1837। एक ऐसे नहीं था कि ना सिर्फ ये ना लिरिकल बैलेट से स्टार्ट हुई थी, इससे पहले भी ये स्टार्ट हो चुकी थी रोमांटिसिज्म। अब जो बैलेट में हम इसका ऑब्वियसली स्टार्ट देखते हैं लिटरेचर में, यानी कि अब सारे लिटरेचर में थॉट विद पर्टिकुलर स्टाइलिस्टिक पैटर्न्स आए ना, कि भाई नए राइटर्स अब इस तरह लिखते हैं, वो ये चीज यूज करते हैं, या कि साइन एंड रोल्स हैं, सब्जेक्टिव हैं, नेचुरल इमेजरी यूज कर रहे हैं। सो ये स्टार्ट तो हम किसको हम लेते हैं, किसके लिए, लिटरेचर देखते हैं एज अ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट फादर ऑफ रोमांटिसिज्म थे जीन जैक्स रूसो। अब रूसो कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर थे 18th सेंचुरी के। इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम इन्होंने रोमांटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, ऐसा वर्क प्रोड्यूस किया था जिसमें हम लोग देखते हैं कि रोमांटिसिज्म के हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। अब इनका एक वर्क था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में इन्होंने पब्लिश करवाया था। अब उसमें क्या था, इनका था रिटर्न टू द नेचर, के हम लोग नेचर की तरफ वापस आए। अब उनके जो मेन पॉइंट्स थे उस वर्क में वो थे, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर चेन, कि इंसान जो है वो क्या है, नेचुरल तौर पर क्या फ्री पैदा हुआ है, लेकिन उसे जो चीज़ झगड़ती है, जो चीज़ चेन में लाती है, वो क्या हमारी सोसाइटी है, हमारे रिलीजन है, ये सारी चीज़ हमें चेन। जी जी, कि जब आप किसी सिविलाइजेशन के अंदर हैं तो फिर आपको डिसिप्लिन दिया जाता है, फिर देखें आपको डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको एक नर्चरिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है। तो ये कहता है क्या, दिस अब होता क्या है कि विदन सिस्टम कुछ कुछ चीज़ें या इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल यूरोप के डिफरेंट उसमें कंट्रीज में कैसे आई थी रोमांटिसिज्म। अगर हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी है उसमें आई थी लेट 18th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म आई थी। अब रोमांटिसिज्म के जो इम्पोर्टेंट राइटर थे जर्मनी में वो थे नॉवलिस्ट
फ्रेडरिक एड्रिन शेलर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसी थीम इंट्रोड्यूस कराई थी जो कि रोमांटिसिज्म में थी, जैसे कि इंटरेस्ट इन द जर्मन फोल्कलोर मिथोलॉजी एंड द मेडिवल हिस्ट्री। उसका रोमांटिसिज्म मैनिफेस्ट इन द यूनिक वे एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ द नेचर इंडिविजुअलिज्म एंड द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में आई थी जो रोमांटिसिज्म, वो 18th सेंचुरी में आई थी। उसकी जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर और कॉलरिज लॉर्ड बैरन। उसके बाद ये क्या रिएक्शन थी ये रिएक्शन थी किसके खिलाफ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब मैं कॉज एक्सप्लेन करूँगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब एक्सप्लेन कर दूँ। फिर उसके बाद फ्रांस में, जैसे मैम अभी ने बता दिया। अच्छा, उसके बाद है कॉजेज ऑफ रोमांटिसिज्म। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन जो सम जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि लोग जो थे वो क्या, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, शहरों को एक की तरफ क्या लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रही थी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे। अब इसमें क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कि बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्री में। इसकी वजह से क्या हो गई थी, लेबर क्या हो गई थी, कम हो गई थी, उनके ऊपर क्या हुआ था, जो लो लेवल के लोग थे उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आप देखिए लेकिन हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट। अर्बनाइजेशन मतलब लोग कहाँ से निकल रहे हैं, गांव से छोड़कर एक रैपिड मिडिल क्लास थी। हाँ, है दिल के लिए बहुत
मशीनों की हुकूमत एहसास को रबत को कुचल देते हैं इंसानों ने मैकेनिकल कर देती है क्यों कि जब लैंड के साथ दिल का रिश्ता जो है वो अटैच होता है और क्या कुछ क्या आपको मशीन के साथ होती है और देखिए कोई भी मशीन को जब क्या निकाल सकते हैं कोई भी हमारे को काम नहीं देते ठीक है और आई साइड में कि जो एपोथेटिक किस्म का एटीट्यूड है ये उन इंसानों में कोई ना कोई ये आपका इससे अग्री करना या ना करना वो आपकी अपनी मर्जी करें जो नेक्स्ट इसका कॉज था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जी अब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई क्यों थी वो इसलिए आई थी क्योंकि जैसे कि हाई लेवल सोसाइटीज़ होती हैं और लोअर सोसाइटीज़ होती हैं हाई लेवल सोसाइटी ये होती लोअर सोसाइटीज़ काम करती थी और जो हाई सोसाइटीज़ थी वो क्या थी उनसे बेनिफिट्स लेते थे उनसे फ़ायदा उठाते थे अब इसमें जब फ्रेंच में इनमें किंग लुई से 16 का टाइम था और इनकी एयर की जो किंग की जो वाइफ थी मैरी एंटोनी अब ये क्या थे जो इनके नीचे वाला तबका था वो काम करता था और ये क्या करते थे उन्हीं के पैसे से अगर कहने अयाशी वगैरह करते थे उन्हीं के पैसे उड़ाते थे अच्छा इसकी वजह फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए थे वो क्या जीने की देने से हम ही नहीं कर सकते
उसकी वजह से क्या हो गया था, मोनार्की का एंड हो चुका था और डेमोक्रेसी को राइज हो गया था। डेमोक्रेसी अब क्या थी, राइज पे थी। अच्छा, उसकी वजह क्या हो गया, सोशल इनक्वालिटीज जो पहले की जाती थी उसके उसमें क्या हो गया कमियाँ, क्यों लोगों ने अपने राइट्स के लिए किया था अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद एम्फिसाइज किया गया था लिबर्टी पे, इक्वलिटी पे और फ्रीडम पे। उसके बाद आता है अमेरिका रेवोल्यूशन। अब जी अमेरिका रेवोल्यूशन अभी से किस लिए आया था, क्योंकि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो क्या थी, ब्रिटिश के अंडर में थी। जी जी मैम, उसकी वजह से तो इंडिपेंडेंस। अच्छा, फिर ये हुआ था कि जो 13 अमेरिकन की कॉलोनीज थी उन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था कि हम क्या एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हमें क्या इंडिपेंडेंस चाहिए। ये कॉलोनीज डिस्कनेक्टेड विद ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसीज। और वो क्या अब इसी के बारे में थॉमस पेन ने कहा था, कॉमन सेंस उनका एक वर्क था। थॉमस पेन इनका वर्क था कॉमन सेंस, जो कि पब्लिश हुआ 1776 में। इन्होंने कहा था अमेरिका शुड फ्री फ्रॉम ब्रिटेन, जो इसमें वर्क में इन्होंने बात की थी अमेरिका शुड फ्री फ्रॉम ब्रिटेन, कि अमेरिका को क्या क्या गया आज़ाद किया जाए ब्रिटिश से, क्यों, क्योंकि ये अलग नेशन है और हम लोग इनसे अलग होना चाहते। इसके बाद आई थी नेपोलिक वार। अब क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई थी नेपोलिक वार। अब ये वार हुआ है के बाद ये हुआ था कि फ्रेंच में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेपोलियन थे वो क्या कह रहे थे, हम इंपीरियर हैं और हम ही अब क्या हैं फ्रेंच के इंपीरियर हैं, हम ही इसी के बड़े हैं। इसके बाद ये हुई थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म की थी वेलिंगटन ने, जो कि बेल्जियम के मकाम पर इनकी जंग हुई थी, जिसकी वजह से इनको नेपोलिक वार कहा जाता है, क्योंकि इसी जंग में नेपोलियन को शिकस्त हुई। अच्छा, उसके मैम ये वाला गोल्डन लुइस जो ये है। अच्छा, इसके बाद ये देख लेते हैं कि डिफरेंट डिसिप्लिन में रोमांटिसिज्म कैसे आई थी। पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था रोमांटिसिज्म का वो एक वर्क था लिरिकल बैलेट, वो किसने दिया था, विलियम वॉर्डवर्थ और एस टी कॉलरिज ने। ये क्या क्या था, कंबाइन वर्क था जिसमें इन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइम दी थी, टोटल 23 पोइम्स थी, जिसमें से 19 विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और उसमें से जो बाकी आयर की चार थी वो क्या एस टी कॉलरिज। अब जो इसका सब्जेक्ट मैटर था वो तीन चीज़ें थी, एक थी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल पे बात की जाए और क्या थी कॉमन थीम्स यूज़ की जाए। जो को समझ
जैसे आपके पर्स होते हैं तो अच्छे लिरिकल वैल्यू में भी और चीज इंपॉर्टेंट है वो इसका प्रीफेस प्रीफेस कॉलेज और पर्स होते भी लिखा और बेसिकली कॉलेज और पर्स होते की डिबेट है डिबेट से बनाती है कि पर्स होते अपने आइडिया दें कि व्हाट लिटरेचर शुड बी किस तरह लिखनी चाहिए उनकी लैंग्वेज क्या हो उनकी कॉम्पिटिटिव क्या हो तो फिर उसको फिर कॉलेज क्रिटिसाइज करते हैं वो अपने आइडिया देते हैं इन मार्क्स को If you go through the pre-payment in that, you have gone through all the parameters which were devising at that point of time for the mental equation. Basically, you know, we have to take the other way to get the mental equation. अब अगर इसकी रोमांटिक पोइट्स की बात की जाए तो इसमें ना डिवाइड किया गया था पोइट्स को दो जनरेशन में एक है फर्स्ट जनरेशन एक है सेकंड जनरेशन और इस सेकंड जनरेशन को हम यंगर पोइट्स भी कहते हैं पर इसके अलावा अगर हम नॉवेल पोइट्स अगर कोई मसला है अच्छा अगर नॉवेल इसके रॉबर्ट बर्न्स विलियम ब्लेक विलियम्स वर्डवर्थ सैमुअल टेलर वेल्टर स्कॉट रॉबर्ट सॉथी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं और सेकंड में जी मैम टेलर हैं वेल्टर स्कॉट विलियम्स वर्डवर्थ विलियम वैली जी यस जेन ऑस्टन मैरी शेलर अच्छा इसमें यह हुआ था कि रोमांटिसिज्म में दो जो जॉनर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे एक थी पोएट्री एक था नॉवल जो नॉवल में आता वही फर्स्ट जनरेशन में उसमें थे विलियम वर्डवर्थ एस्ट्री कॉलेज अब ये क्या थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या करते थे फेवर करते इनकी जो पोइम्स थी ना जी मैम शुरू में इनके पोइम्स थी वो इजी टू अंडरस्टैंड थी और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो भी कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती उसके बाद आते सेकंड जनरेशन लॉर्ड बैरन पी बी शेले और जॉन कीट्स अब ये क्या थे यंगर जनरेशन में से थे और यंगर जनरेशन इसलिए कहा जाता है कि इनकी बहुत यंग एज में डेथ होती थी अच्छा उसके बाद इन्होंने ना मोर क्लासिकल पोइम लिखी थी मैम एक तो सबसे वो था ना थॉमस चैटन जिसकी 17 ईयर का पोइट था जिसकी डेथ हो गई थी अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया था वर्किस जी मैम इसका है ये थॉमस चैटन एक 17 ईयर के पोइट थे जिन्होंने ना अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली थी सुसाइड क्यों अटैम्प्ट की थी इन्होंने इसलिए क्योंकि एक तो इनका वर्क किसी ने पब्लिश नहीं किया था और दूसरा ये था कि इनकी फैमिली की तरफ से इनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि ना आप क्या बने पुरुष को छोड़कर बल्कि लॉयर के पेशे की तरफ आए इसकी वजह से क्या कर रहे हैं इन्होंने क्या सुसाइड अटैम्प्ट किया इससे राइटर की ना जब क्या उसके बाद नॉवल की बात करें तो नॉवल में सबसे जो फेमस थी जेन ऑस्टन जी ये क्या थी जी मैम यस सेंस एंड स्पेल की नाम पढ़े हैं नहीं जी मैम
अच्छा, उसके बाद अगर बात करें डिसिप्लिन की, दूसरा डिसिप्लिन है आर्ट। अब आर्ट में क्या था, इसलिए लाई गई थी ताकि रिलेशनशिप बता सके नेचर और रोमांटिक के बीच। अब इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर थे वो थे कैस्पर डेविड फ्रेडरिक। अब इन्होंने क्या है, डिपिक्ट किया था लैंडस्केप दैट इवोक अ सेंस ऑफ सबलाइम, हले एम्फसाइज दिस द इंस्पायरिंग द पावर ऑफ नेचर। इवोक द सेंस ऑफ सबलाइम व्हिच वी हैड लॉस्ट, द सेंस ऑफ सबलिमिटी हमसे खो गया ना, फिर खो गया वो मैं, वो अब इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा डिप्रेस कर दे इंसान ये सोच के उसके बाद ये था कि रोमांटिक जो पेंटर थे वो यूज़ करते थे ड्रामेटिक लाइटिंग को, विविड कलर को यूज़ करते थे कन्वे करने के इंटेंस इमोशन और सेंस ऑफ मिस्ट्री। उसके बाद आ जाता म्यूजिक। म्यूजिक अर्जिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूजिशियन है वो है रिची टैटी वैगनार, जो कि एक जर्मन कंपोजर थे। वो अपने अर्जिक जो कंपोज करते म्यूजिक उसमें यूज़ करते सिम्फोनिक पोइम्स और लेटर मोटिव्स। इसमें क्या थे, ये ऐसी पोइम्स होती है जिसमें इसमें हम लोग क्या किसी पर्टिकुलर थीम को म्यूजिक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कन्वे करते हैं, ठीक है। इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि ना वो अपने इमोशंस को, इमेजिनेशंस को और ब्यूटी और नेचर को क्या कर सकें, एम्फसाइज कर सकें। फिलोसफी में वो करें फिलोसफी में जो मेन थे इम्पोर्टेंट थे फ्रेडरिक एडी शेलिंग थे, जॉर्ज विलियम थे। इन्होंने एक्सप्लोर किए थे थीम्स जैसे नेचर, सेल्फ डिस्कवरी, रोल ऑफ इमोशन इन द ह्यूमन एक्सप्रेशन।